और इसी बीच खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां हनुमानगढ़ के नौहर में कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुल 11 छात्राओं को स्कूटी योजना में चयन हुआ है। स्कूल परिवार और छात्राओं में काफी जो है वो खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ से स्कूटी प्राप्त कर आज स्कूल पहुंचने पर विद्यालय प्रांगण में स्कूल मैनेजमेंट और गणमान्य नागरिकों ने होनहार बेटियों का भव्य स्वागत किया है। नोहर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीर सिंह धानिया ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना चलाई जा रही है। इसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 11 बेटियों का चयन हुआ है, जो बड़ी ही खुशी की बात है। नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटौतिया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा, भाजपा नगर मंडल महामंत्री सुभाष सोनी ने बेटियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। प्रधानाचार्य इंद्रवती जाखड़ और निरंजन शर्मा ने समारोह में अतिथियों और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। आज राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूटी वितरण योजना, जो कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के नाम से है, जिसमें पूरे राजस्थान भर से जो बोर्ड की मेरिट है उस मेरिट से तय किया जाता है, और उसमें से बड़ी खुशी की बात है कि इस विद्यालय की 11 छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। 11 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, जिसमें से 3 छात्राएँ तो ऐसी हैं जिसमें स्कूटी के साथ साथ इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के नाम से 1,00,000 की इनामी योजना है। वो 1,00,000 रुपए पुरस्कार के रूप में भी और स्कूटी के रूप में भी है। और इनमें से एक बच्ची ऐसी है जिसमें मुख्यमंत्री अलंकार योजना के नाम से 50,000 रुपए का इनाम और दिया जाता है, तो वो तीनों के लिए पात्र है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।